2020 में बीते दिनों अगर देखा जाए, जिस प्रकार कोरोना महामारी आई उसको लेकर के लॉकडाउन किए गया, और बीते 10 महीनों से जिस प्रकार लॉकडाउन चला और फिर अनलॉक की प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू हुई, लगातार विद्यालय भी खोले गए वो चाहे, और फिर व्यापार भी खोला गया, लगातार जो भी असुविधाएं थी उसको जो है सुविधा तो में बदला गया। लेकिन इस समय क्या चल रहा है 2020 को लेकर के, शिक्षा में किस प्रकार बदलाव हुआ, क्या रणनीति रही, इसको लेकर के आज हम बातचीत करेंगे SGS पब्लिक स्कूल की, जिनकी अगर देखा जाए तो जनपद के कई बाहर भी 17 शाखाएं हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चेयरमैन रमेश बहादुर सिंह है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर देखा जाए तो इस दौरान कोरोना महामारी के दौरान विद्यालय लॉकडाउन के कारण बंद थे, कैसे इसका मैनेजमेंट आप लोगों ने किया? शुरू में तो एक बड़ी असमंजस की स्थिति थी। शुरू में ये भी था कि हाँ, महीने भर खुल जाएगा, 15 दिन खुल जाएगा, लेकिन जब ये लगा कि नहीं, ये लंबा चलेगा, तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए 1 साल का उनको बचाने के लिए, क्योंकि तो 1 साल बच जाए, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। शुरू से उनको व्हाट्सएप से जोड़ा, व्हाट्सएप के माध्यम से ही हर चैप्टर के एक सब टॉपिक को भी हमने पहले उसको जिस तरह से क्लास में उसको एक्सप्लेन किया जाता है उस तरह से उसको इंट्रोड्यूस किया, एक्सप्लेन किया। फिर जिस तरह से बच्चा अपनी नोटबुक तैयार करता है उसी तरह से टीचर से हर चैप्टर का हर उसका बना करके पूरा नोट्स बना करके व्हाट्सएप के द्वारा PDF के द्वारा पेरेंट्स को भेजा गया। फिर हर चैप्टर के 20-20 नंबर के क्वेश्चन पेपर बनाए गए और क्वेश्चन को भी हम लोग मॉडल टेस्ट सोल्यूशन प्रश्न और उत्तर सहित उनको, कि जैसे मान लीजिए कभी बच्चा न बहुत अच्छा कर पाया साल क्या करेंगे, तो भी उन मॉडल टेस्ट सोल्यूशन से के माध्यम से उसको पूरा वो सॉल्व करने का मॉडल एक आंसर मिल जाए। और मॉडल आंसर को लेकर के उनके रेगुलर कॉपी को लेकर के पहला टेस्ट हम लोगों ने आयोजित किया। दूसरे टेस्ट में जब किया तो उसमें मॉडल टेस्ट सोल्यूशन से 40% सवाल पूछे गए 60% के, और दूसरे कंटेक्चुअल का। अब आज से जो है सेकेंड पीरियड टेस्ट शुरू हुआ है, इसमें खाली पाठ के आधार पर जो उन्होंने पढ़ा है, किताब के आधार पर कंटेक्चुअल क्वेश्चन का उनको दिया गया है। बच्चों ने पूरी तन्मयता से प्रयास किया है, और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि अभिभावकों का जो सहयोग था वो अतुलनीय था इस लॉकडाउन के पीरियड में, जिसमें कि एक भी अभिभावक घर से निकलने में अपने को बचा रहा था, उसमें भी अभिभावक समय से आते रहे। जैसे फ्राइडे और सैटरडे हम लोग कापियाँ उनकी सबमिट करते हैं, सैटरडे और संडे को चेक करते हैं, मंडे को उनको नए वीक का समय देते हैं, पूरा काल देते हैं। तो पूरा वो आते थे, पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन उन्होंने किया, एक दूसरे दूरी बना करके अपनी कापियां बच्चों को देते रहे, और वो चेक करा के दूसरे लेते रहे, और 3000 अभिभावक जिस तरह से जुड़े रहे, साल भर जुड़े रहे, वो हम ये कहेंगे खाली अभिभावकों का ही समर्थन था, जिसके बल पर कि आज हम लोग मानते हैं कि हर वर्ष की पढ़ाई की तुलना में 10-20-50% पढ़ाई अच्छी हुई है, और 95-97% तक का पेरेंट का टर्नआउट पूरे तन्मयता जो उसने किया है वो अतुलनीय है, हम उसके आभारी हैं। सर, इस दौरान अगर देखा जाए तो जो आपके विद्यालय की शाखाएं 17 ग्रामीण अंचलों में भी हैं और शहरों में भी हैं, तो इस दौरान कई दिक्कतें भी आई होंगी स्टूडेंट को, उससे कैसे आप लोग स्टूडेंट से तक जुड़े रहते थे, कैसे उसका निदान कराते थे उनके? हर स्कूल का एक समन्वित प्रयास रहा, जो रायवली की पढ़ाई हुई वही ऊंचाहार की हुई, वही लखनऊ की हुई, वही इलाहाबाद की, सब जगह एक ही सिस्टम से पढ़ाई हुई है। और बच्चे मतलब 9 से ऊपर के तो बच्चे खुद ही पूरा सहयोग किए, नर्सरी से 8 के बच्चों का भी मतलब उसी तरह सहयोग रहा है, पेरेंट्स का सहयोग रहा है। हम इसमें आपका अगर आप कहें तो हम कुछ कापियां आपको दिखला दें, आप कोई डेट बताइए उस डेट का हम खोल देंगे, सब पेरेंट का भी प्रयास है, पेरेंट का भी प्रयास है। कोई भी ये PG कापी है, ये आप देखेंगे तो ये कोई भी प्रयास कहीं पे हम देखेंगे तो ये नहीं हो सकता है कि किसी बच्चे ने या किसी अभिभावक ने उसमें कहीं से भी छूट दी हो जी। और सबसे बड़ी चीज है इस 10 महीने के दौरान काफी आप लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बात की जाए या फिर बिजली की बात की जाए या जो भी आपके अधीन टीचर्स हैं उन्हें सैलरी देने की बात की जाए, तो इन दिनों में आपको कैसा, आपने इसका पूरा मैनेजमेंट किया, काफी दिक्कतें आई होंगी 2020 में
कोरोना महामारी के दौरान? शुरू में तो एकदम जैसे हमने बताया बड़ी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन फिर जो टीचर्स या वर्किंग क्लास हमारे साथ पिछले दसियों साल से काम कर रहा है, हमें लगा कि अगर हम उनका साथ छोड़ देंगे तो कैसे होगा। तो शुरू में तो एक महीने दो महीने लगा कि कुछ इनको डिस्काउंट करके दिया जाए, लेकिन वो हमने डिस्काउंट शुरू में महीने भर दो महीने के लिए किया, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, अपने चाहे जहाँ सोर्स हो गए हमने रिसोर्सेज किए, सब पूरे गाँव मतलब कहा जाए कर्मचारियों को, टीचर्स को, सबको पूरी सैलरी, और जो शुरू के दो महीने में 10-10-20% काटा गया था वो एरियर के साथ उनको सबको अदा की गई, सब पूरी सैलरी दी गई है, सब पूरी तरह काम कर रहे हैं, किसी टीचर को किसी कर्मचारी को स्कूल से हटाया नहीं गया है। बसों के साथ निश्चित ही कुछ जिसे कहा जाए कि विसंगति रही है कि अब जो बसेज हैं वो अपनी क्षमता के हिसाब से न तो बच्चों को ला सकती हैं, और अगर कोई ग्रामीण अंचल में ब्लॉक स्तर पर है तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक बस पे 10-12 बच्चों को लेकर के चला पाना वो विद्यालय की क्षमता के बाहर रहा है, और न तो उनका इंश्योरेंस हो पाया है, तो बसों के संचालन में निश्चित ही रूप से दिक्कत आई है। इस दौरान देखा जाए चाहे पेरेंट्स हों या स्टूडेंट हों, आपके हमारे चैनल में भी टीचर भी किया था, इस दौरान देखा है जिस प्रकार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन विद्यालय में है और बाहर भी, इसको लेकर के जो पेरेंट्स वो संतुष्ट थे, तो इनको कैसे आपने मैनेज किया और कैसे आज की जो सफलता है इसको कैसे किया? कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के बिना हम इतनी बड़ी जनसंख्या को अभिभावकों के और बच्चों को मेंटेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि संक्रामक बीमारी तो थी ही थी। तो इसके लिए जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है, सब चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, पेरेंट्स भी काफ़ी लेकर के आ रहा तो उसको भी सोच किया, पेरेंट खुद भी अवेयर था, मास्क का जिनके पास नहीं था मास्क और सैनिटाइजर, ये सब की व्यवस्था की गई विद्यालय के अंदर, सफाई संचालन सब पूरी तरह से वो किया गया है और लगातार किया जाना है। हमें तो लगता है कि साल भर में 10 लाख रुपये खाली सैनिटाइजर खर्चा आया पक्की, इसका मैनेजमेंट पूरा काफ़ी दिक्कतें हुई, बैंक से पूरा वो करना पड़ा, इसमें करीब 4 करोड़ रुपए की ओडी वो लगी है, जिसपे कम से कम 50-52 लाख रुपया साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 4-5 लाख रुपये खाली इंटरेस्ट में देना पड़ा। सर इस 2020 में कई दिक्कतें आई, 10 महीने काफ़ी दिक्कतों में था, तो 2021 को कैसे आप सॉल्व करेंगे सर? देखिए दो दृष्टि है, एक तो है कि हम आशावादी हैं और हमने सोचा कि अगर इस कोरोना के समय में अगर 97% तक का गार्जियंस का टर्नआउट है तो आगे 2021 बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक विद्यालय के संग बात है, जहाँ तक विद्यार्थियों के 10th और 12th में जो बैठ रहे हैं, इन बच्चों के लिए हमने एक पंक्ति आज उनको बताई थी कि कोरोना के संदर्भ में कि अभी अब तक बहुत रुलाया है, आगे बहुत रुलाएगा, तो कोरोना आज कंट्रोल भले हो जाए, समाज में दब भले जाए, लेकिन आने वाले समय में इन जो बच्चों ने 10th की परीक्षा देने जा रहे हैं, 12th परीक्षा देने जा रहे हैं, इनकी पढ़ाई के में जो प्रभाव पड़ा है ये तो इनको आजीवन कष्ट देगा। तो हम खाली बच्चों को भी प्रोत्साहित खाली इस उसमें कर रहे हैं कि जो गया लेकिन आगे जितना हम संभल सकें बोर्ड की परीक्षाओं के हम लोग उतनी ताकत से जुटे। तो ये थे हमारे SGS पब्लिक स्कूल के चेयरमैन, जिन्होंने बताया कि हमें कोरोना के साथ जीना भी सीखना, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आज भी कष्ट है लेकिन संभला जरूर है, इसमें हमें संभलने की जरूरत है।